नमस्कार, आज हमारा पूरा भारतवर्ष 75वीं हमारी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। अमृत महोत्सव आज खुशी का समय है, आज दिन है। क्यों? क्योंकि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इस पे जान निसार है मेरा देश। आप समझ रहे हैं इसमें क्या है? अभी मेरे सामने यहाँ पर इंटर कॉलेज, यहाँ पर जो है एक चमकता हुआ स्कूल, और मैं समझूंगा कि यहाँ पर बहुत बहुत दूर के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी संख्या में भी यहाँ पर आज बहुत ही हर्षोल्लास से आज छात्र के मन में बस यही चल रहा है, तिरंगा हमारा ये शान है। इस विषय में यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, हमें प्रधानाचार्य जी से मोदी से पूछूंगा कि अभी मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, आप क्या कहेंगे इसके विषय में? तो मुझे यही कहना है कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है जहाँ सब धर्मों का सम्मान होता है, हर धर्म को अधिकार मिले हुए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 75 वर्ष पूरे होने पर इस वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के नाम से मनाने का निश्चय किया, ताकि क्या चीज़ छुपा हुआ है, क्या क्या चीज़ है जो हमें और आगे के लिए प्रेरणा देती है? इसमें जो है छिपा हुआ यह है कि जो व्यक्ति, जो नए बच्चे हैं, इस बात से अनभिज्ञ थे कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें इसमें क्या और करना है, इस बात की प्रेरणा हमें अमृत महोत्सव मनाने के अवसर पर प्राप्त हो रही है, सबको ज्ञात हो रही है, और हमारे बच्चों में एक जज्बा, एक मन में उल्लास, उमंग है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमारे देश को आज़ादी किन परिस्थितियों में मिली थी और हमें इसे आगे बरकरार रखने के लिए क्या करना है। इस बात को वो इस अमृत उत्सव महोत्सव के अवसर पर अच्छी तरह से जान चुके। अभी सर हमको बता रहे हैं कि इसमें बच्चों को पूर्ण रूप से बताना है कि कैसा आजादी। और एक मिनट और, सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष त्यागी है। सर तिरंगे की शान क्या है और आम क्या है? तिरंगे की शान हमारे देश की शान है, हमारे देश की आम है। पूरे विश्व में भारत का झंडा ही एक ऐसा झंडा है जो भविष्य में जो है पूरे देश में फहराने की मैं कल्पना करता हूँ, एक अखंड भारत का वो पुनः निर्माण हो, इसी कामना के साथ। अभी बात कर रहे थे समर इंडिया के पत्रकार उनको प्रस्तुत हुए हैं, जो जनल परिवार आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो।